हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बे चैनल पर, जिसमें आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 11 को करेंगे। और यह थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों से फीडबैक मांगा गया, तो वहाँ पर आप लोगों ने वीडियो की लेंथ को बताया कि इतनी लॉन्ग वीडियोज नहीं डाला करें, और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चंस की मांग की है। तो चलिए हम भी इसी का प्रयास करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 तक हम लोग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp-Cb इक्वल्स टू ए एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp-Cb इक्वल्स टू वी। सो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय इफ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड हाइड्रोजन इज 1। यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस का मेयर्स रिलेशन दे रखा है और ऑक्सीजन गैस का भी, और आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और जो लोग ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है Cp-Cb इक्वल्स टू व्हाट, आर होता है गैस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी गैस के लिए आप लोग वैल्यू को निकाल लीजिए, वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यानी कि बॉइलिंग वाटर है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उबलता हुआ पानी भाप में बदल रहा है, तो इस स्थिति में पानी की या जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए 0 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट। जैसे कि आप लोगों को पता है सी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी होता है, और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उस समय जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वह 0 होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों की स्पेसिफिक हीट इन्फाइनाइट होगी, ना कि 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम एट 373 केल्विन इज। तो ये हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 ग्राम आइस को या 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन में परिवर्तित करने के लिए कितनी आवश्यक ऊष्मा होगी। वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी 716 जूल को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, तो सिंपल सा है, इसमें क्या हो रहा है आइस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें आपकी 3 बार हीट देनी पड़ेगी या 3 बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वह क्या होगी, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली हीट, और ये क्या है फेज चेंजिंग हीट जिसे हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, और लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होने में जो हीट लगेगी उसे हम लोग फिर से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, बाष्प की गुप्त ऊष्मा, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि विलयन की गुप्त ऊष्मा। और इस लिक्विड का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने में, और यहाँ पर 373 लिखा हुआ है तो ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक ले जाने में जितनी हीट लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ये 3 हीट हमें कैलकुलेट करनी होंगी तब आपका आंसर करेक्ट होगा। तो Q इक्वल्स टू लगा देना है आप लोगों को सबसे पहले लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट क्या होती है M इंटू L, तो L1 ले लीजिए, और स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी MC∆T प्लस थर्ड वन जब लिक्विड आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फिर से आपकी लेटेंट हीट होगी जिसे हम ML2 से डिनोट कर लेते हैं, और 1 ग्राम आइस है तो यहाँ पर सब जगह 1 आ जाएगा, और L1 की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है आपकी 80 कैलोरी, और जो मास है फिर से 1 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है 1 होती है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 373-0 या 273 केल्विन, तो वो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर ये 100 आएगा, सब्ट्रैक्शन है इसलिए बराबर आएगा। और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया जब भी आपको डेल्टा टी लगाना है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग डिवाइड दो तब आप लोग उसे हमेशा केल्विन में रखिएगा। ठीक है,
प्लस एम आपका फिर से 1 ग्राम और एल टू अब की बार क्या है वाटर की स्पेसिफिक हीट स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो वह कितनी होती है 536 जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तो 716 जूल की जो यूनिट होती है वह आपकी कैलोरी भी होती है और जूल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 50 ग्राम इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इज, यानी कि कॉपर ब्लॉक है जिसका मास आपको दे रखा है 50 ग्राम और उसको हीट किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको जब आइस ब्लॉक में प्लेस किया जा रहा है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, और यहाँ पर आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर यानी कि सीसी 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लेटेंट हीट है आइस की यानी कि एल वो है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। तो जो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगी यानी कितनी मात्रा में बर्फ पिघलेगी वह आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए किस तरीके से करना है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा मिक्सचर का, तो जो हम लोगों ने कल प्रिंसिपल पढ़ा था वही आपको लगा देना है, मिक्सचर वाला मेथड ऑफ मिक्सचर। उसमें क्या होता है हीट लॉस या हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, यानी जितनी ऊष्मा की क्षति हुई उतनी ही ऊष्मा संग्रहित हुई, ठीक है। तो यह प्रिंसिपल आपको मदद करेगा। तो हीट किसकी लॉस हो रही, कॉपर की। यहाँ पर कॉपर क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी स्टेट चेंज नहीं होगी यानी कि फेज चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा खाली। तो इसमें कौन सी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट जो कि हो जाएगी एम जिसका मास दे रखा 50 ग्राम, सी आपको दे रखी है 0.1 और डेल्टा टी कितना हो गया 100 क्योंकि 100 तक उसे हीट किया गया था, या रेज इन टेम्परेचर आपको दे रखा है, और बराबर होगा हीट गेन के जो कि है आइस के मेल्ट होने की, आइस है तो बेसिकली मेल्ट होगी और उसी का मास आपको बताना है। तो एम इंटू एल, एल आपको दे रखे 80 कैलोरी, तो यहाँ से सिंपल जब आप लोग एम को कैलकुलेट करोगे तो 50 इंटू 0.1 इंटू 100 ओवर 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक और जीरो कैंसिल, तो 50 ओवर 8 विच इज इक्वल टू 6.25 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेथड ऑफ मिक्सचर हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। 420 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ 10 ग्राम ऑफ वाटर विल रेज टेम्परेचर वाई नियरली, यानी कि 10 ग्राम जल को 420 जूल ऊष्मा देने पर उसका तापमान कितना बढ़ेगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिन लोगों से वो अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। तो न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों को जितना गिवन दे रखा है उसे आप लोग लिख लीजिए। तो क्यू आपको दे रखा है 420 जूल और मास आप लोगों को दे रखा है 10 ग्राम और डेल्टा टी आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें वाटर की स्टेट चेंज नहीं हो रही है इसलिए स्पेसिफिक हीट लगेगी और स्पेसिफिक हीट होगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलोरी में यूनिट है और ये जूल में है, तो इसे आपको कैलोरी में चेंज करना होगा और कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से हमें इसमें डिवाइड देना होगा, तो 420 जूल ओवर 4.2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100 कैलोरी। तो जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पर आपको 100 कैलोरी लेनी होगी ना कि 420 जूल। और अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वहीं पर हमने एक मिस्टेक की है, जूल को ही आपको कैलोरी में बता दिया, तो यहाँ पर जूल नहीं होगा यहाँ पर कैलोरी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जूल नहीं होगा कैलोरी होगा 716 कैलोरी, इसीलिए कहते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई सा भी पॉइंट याद आ सकता है,
तो यहाँ पर 716 कैलोरी होगा। अगर जूल में आपको आंसर देना है तो 716 ये कैलोरी में निकल के आया था, और कैलोरी में आपको फिर मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 4.2 का, तब वो आपका आंसर जूल में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्यों यहाँ पर हम लोगों का निकल के आ चुका है, तो हमें डेल्टा टी निकालना है और सी हमें पता ही चल चुका है। तो सी इक्वल्स टू क्या, क्यू ओवर एम डेल्टा टी, और डेल्टा टी बराबर आप लोगों का हो जाएगा क्यू ओवर एम सी। क्यू की वैल्यू 100 कैलोरी, एम की वैल्यू 10 ग्राम और सी की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वाटर का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। तो ये लोग, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलोरी और जूल में आपको अंतर रखना है हमेशा 4.2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, यानी कि 540 ग्राम की ही आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको मिक्स किया जा रहा है 540 ग्राम वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर अभी 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वह क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो लोग ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर आपको वही लगाना होगा, मेथड ऑफ मिक्सचर, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट लॉस की जाएगी वाटर द्वारा और हीट गेन्ड की जाएगी आइस द्वारा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा इस आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में कितनी लेटेंट हीट की आवश्यकता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा की कितनी आवश्यकता है। तो लेटेंट हीट जैसा कि आप सभी को पता है m इंटू एल होता है, और मास आपको दे रखा है 540 ग्राम, और l होती है आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम। तो जो लेटेंट हीट चाहिए वो चाहिए 540 इंटू 80, और इस वाटर के पास कितनी स्पेसिफिक हीट है कि इसके फेस को चेंज करने में कितनी बचती है, तो वही अब हमें कैलकुलेट करना होगा। तो q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी हमें लगाना होगा 540 एम सी डेल्टा टी, तो एम आपका ये हो गया, सी की वैल्यू 1 और डेल्टा टी की वैल्यू 80 डिग्री। तो यहाँ से पता चल रहा है इतनी हीट यहाँ पर इसके पास अवेलेबल है कि सिर्फ इसकी फेज चेंज हो सके, लेकिन इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा क्योंकि वह इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगर इसके पास और एनर्जी होती तब इसका टेम्परेचर राइज करता, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लेटेंट हीट पता लगानी होगी कि कितनी लेटेंट हीट इसको ज़रूरत है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और ये पूरी कन्वर्ट हो गई है लेकिन इसके पास अभी इतनी हीट नहीं बची है वाटर के पास कि इसके टेम्परेचर को रेज कर सके। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। 70 कैलोरी आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू द सेम रेंज एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, यानी कि आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर पर 2 मोल की आइडियल गैस का हीट बता रखी है कि उसको इतनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो वही सेम गैस के लिए सेम रेंज में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों से क्यू बी पूछा गया है, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। गिवन आपको दे रखा है क्यू 70 कैलोरी और मोल्स दे रखे हैं जिसे हम लोग एन से डिनोट करेंगे, एम एन बराबर आपका 2 मोल्स, प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पर सीपी लगेगी, और इसका जो टेम्परेचर है वह चेंज हो रहा है 35 टू 30 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग सी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू 5 है, सी पी की वैल्यू आपको निकालनी है, और एम की वैल्यू आपको एम की जगह पर आपको एन लगाना होगा, एन की वैल्यू 2 और क्यू की वैल्यू 70, तो 2 5 जो 10, सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7।
तो सीपी की वैल्यू 7 आ चुकी है और हमें मेयर्स रिलेशन पता है, हम लोगों ने ऐसे भी पिछले पार्ट में कवर किया है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू यहाँ पर 8.31 नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पर लगेगी 2 जो कि आपकी 1.9 समथिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 1.9 समथिंग लगेगी कैलोरी में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में कई सारी यूनिट आपको बताई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर आर की वैल्यू भी वेरी करती है। ये किस में होती है, ये आपकी होती है प्रेशर में, यानी कि लीटर इंटू वार केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। अगर ये यूनिट होती है तब आपको 8.31 लगानी है, और जब हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, कैलोरी की बात कर रहे हैं, तब आपको 1.9 या 2 लगानी होगी। तो सीपी माइनस सीबी बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सीबी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए डाईएटोमिक गैस के लिए जो सीपी ओवर सीबी का रेशियो होता है वह होता है 7/5। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू 5 आ जाती है, और इसी तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको आर की वैल्यू याद रहती है। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो फिर से आपको यही लगा देना होगा क्यू इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 5, सी बी की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 कैलोरी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स हमने क्यों करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको ये ना लगे कि जो हमने थ्योरी में कराया वो आपके काम में नहीं आ रहा, और अगर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए आसान होगा किस तरीके से आपको उसको रीच आउट करना है, क्लियर है। और अब हम लोग बात करेंगे पिछले पार्ट के क्वेश्चन की। तो पिछले पार्ट में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसका भी जवाब कम लोगों ने दिया, ज़्यादातर लोगों ने लाइव चैट में दिया था, लेकिन उसके बाद 2 या 3 लोगों ने ही कमेंट किया और उन्होंने सही आंसर दिया। तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड की बात हो रही है जिसमें यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है व्हाइल द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये लेटेंट हीट है, यानी कि गुप्त ऊष्मा है। लेकिन यहाँ पर लेटेंट हीट के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो लेटेंट हीट होगी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था आइस से वाटर में जाते हैं तो उसे हम फ्यूज़न या विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी, और अगर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता तो उस समय हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट किया था, तो हमें नहीं लगता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने बताया कुछ कॉन्सेप्ट किया करेंगे, और ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस को ही किया करेंगे। और अगर आप लोग और कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का, आप लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक को सीरियसली लेते हैं। अभी इसका एक पार्ट और रह गया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है। अगर आप चाहते हैं उसका कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा हम उसके क्वेश्चन ही करा देंगे आप लोगों को। लेकिन ये है कि क्वेश्चन अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो वो फील नहीं आएगा समझने वाला, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी हो कमेंट करके बता सकते हो। PDF आप लोगों को इसकी आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी लर्नवे ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे पढ़ सकते हो। और डाउनलोड कीजिए लर्नवे ऑनलाइन टेस्ट ऐप को फ्री प्रैक्टिस के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों की फ्राइडे को। थैंक यू।